हेलो ऑल एनडीए फाइटर्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वॉइसरॉय फ्रॉम 1905 टू 1935। तो बेटा, हमने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिस्कस कर लिया था 1905 तक के गवर्नर जनरल एज वेल एज वॉइसरॉय। नाउ 1905 के अंदर जो नेक्स्ट वॉइसरॉय आया, दैट वाज लॉर्ड मिंटो। अब हम यहाँ पर उनके बारे में पढ़ेंगे कि उन्होंने कौन कौन से रिफॉर्म्स किए। तो इसका सबसे पहले टाइम पीरियड था 1905 से लेकर 1910 तक। इसके अंदर मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया। ये मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये 1909 में आया था। 1909 में आया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था क्या? तो इसके अंदर इलेक्टोरेट में, यानी इलेक्शंस में, पहली बार मुस्लिम कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया। और यहीं से हिंदू मुस्लिम की जो फूट है, फूट करो शासन करो, वो राजनीति यहाँ से ही उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी। तो यहाँ से उन्होंने जो मुस्लिम थी कम्युनिटी, उसको अलग से इलेक्शंस में रिजर्वेशन दिया और यहीं से उन्होंने हमारे अंदर फूट डालो। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म है। नाउ नेक्स्ट वन जो वॉइसरॉय आए वो थे लॉर्ड हार्डिंग। इनके टाइम पर क्या हुआ, इन्होंने कौन कौन से काम कराए? तो इन्होंने बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करा था। जो बंगाल पार्टीशन करवाया था 1905 के अंदर, कि जो वेस्ट बांग्लादेश, जो बांग्लादेश है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल। ईस्ट बंगाल सारा मुस्लिम मेजॉरिटी का और वेस्ट बंगाल सारा हिंदू कम्युनिटी का, यानी कम्युनिटी बेस उन्होंने डिवाइड किया था। तो इसके लिए लोग बहुत गुस्से में आ गए और वहाँ पर आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, स्ट्राइक्स हुई और एट लास्ट उसे कैंसिल करना पड़ा। तो कैंसिल करने वाले जो वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। तो ये ध्यान रखना, जो बंगाल पार्टीशन को कैंसिल करने वाले कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम हुआ, आज हमारी कैपिटल क्या है? दिल्ली। पर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले अपनी कैपिटल कोलकाता रखी थी, इंडिया की कैपिटल कोलकाता रखी थी। तो ही वॉज ओनली पर्सन हु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ इंडिया कलकत्ता टू दिल्ली। इसी इंसान ने, हार्डिंग, वॉइसरॉय हार्डिंग ने ही कैपिटल, इंडिया की कैपिटल को कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट करी थी। नेक्स्ट आते हैं कि इन्हीं के टाइम पीरियड में, देखो 1915 जनवरी में गांधी जी रिटर्न होते हैं, तो यहाँ पर 1916 तक थे ये। तो इट मीन्स कि गांधी जी जो अफ्रीका से रिटर्न हुए थे वो भी इसी टाइम पर हुए थे, यानी गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम अफ्रीका, इन दैट टाइम द वॉइसरॉय वॉज लॉर्ड हार्डिंग। नाउ जो एक और मूवमेंट चलाया था एनी बेसेंट ने, वो जो मूवमेंट था वो था होम रूल मूवमेंट। जो होम रूल मूवमेंट लॉन्च किया था 1916 के अंदर एनी बेसेंट ने, उस टाइम भी जो यहाँ के वॉइसरॉय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। अब इसके बाद वाले हम वॉइसरॉय के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके बाद में आए लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो वॉइसरॉय था, उनका टाइम पीरियड था 1916 से लेकर 1921। इसके अंदर रोलेट एक्ट आया, रोलेट एक्ट 1919 में आया। रोलेट एक्ट था क्या, विद ओनली सस्पेंस के तौर पर किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकते हैं ब्रिटिशर्स और उसे 2 साल के लिए सजा दे सकते हैं, यानी 2 साल तक उसे अंदर रख सकते हैं। तो ये हमारे ह्यूमन राइट्स को एक्सप्लॉइट करता था टोटली। उसके बाद में मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। इसके अंदर ये रिफॉर्म था, इसके अंदर जो कुछ राइट्स या कुछ पावर्स तो रिजर्व रखी गई और कुछ पावर्स को ट्रांसफ़र किया गया लोकल गवर्नमेंट के पास। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर पावर्स का डिवीज़न हुआ था। तो जो पावर्स वॉइसरॉय के पास रखी गई थी वो रिजर्व थी और कुछ पावर्स को, जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है,
इनको ट्रांसफ़र किया गया था। इसके साथ ही जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जिसके अंदर करीबन मोर देन 1000 पीपल्स किल हुए। सब लोगों को पता है कि बैसाखी का पेड़ लग रहा था अमृतसर के अंदर, जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में है, वहाँ पर इसे ये रोलेट एक्ट की वजह से हड़ताल हो चुकी थी 6 अप्रैल को, तो वहाँ पर सारे लोग इसके अगेंस्ट में थे। और डॉक्टर जो कुछ कांग्रेस लीडर थे, कुचलू, डॉक्टर कुचलू और इनको अरेस्ट कर लिया गया था, उसके अगेंस्ट में उन्होंने जलियांवाला बाग में मीटिंग रखी थी और उसी के अंदर बैसाखी फेयर भी था। तो जनरल डायर ने डायरेक्ट बिना किसी इंटीमेशन के फायरिंग का कमांड दे दिया, और फायरिंग की कमांड से करीबन 1000 से ज़्यादा मासूमों की डेथ हो गई, और इसी इंसिडेंट को हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। इसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खलीफत मूवमेंट, इसी जलियांवाला बाग के रेस्पॉन्स में गांधी जी का ये वाइड स्प्रेड या पूरे कंट्री के अंदर एक बहुत बड़ा जो फर्स्ट मूवमेंट था वो ये था। वैसे फर्स्ट मूवमेंट उनका चंपारण मूवमेंट था 1916 में जो हुआ था, जो उनका चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। अब उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने 1921 में स्टार्ट किया, और उसके साथ खलीफत मूवमेंट मुस्लिम्स की साइड से था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरिंग टर्की जो कंट्री थी उसके अंदर खलीफा की पोस्ट होती थी, जो कि मुस्लिम्स के लिए बहुत हॉली पोजीशन होती थी, जिसको हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, और उसके खिलाफ यहाँ के इंडियन मुस्लिम उसके अगेंस्ट में हो गए ब्रिटिशर्स के, कि खलीफा की पोस्ट वापस लाई जाए। तो ये मूवमेंट भी किसके अंडर में चला था, चेम्सफोर्ड के अंडर में, और इन चेम्सफोर्ड ने फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी सेटअप करी पूना के अंदर 1919 में। ये तो थे चेम्सफोर्ड के वर्क। अब उसके बाद में आते हैं लॉर्ड रीडिंग का जो वर्क था, वो जो टाइम पीरियड था 21 से 26 था। इन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सरप्रेस किया, फायरिंग करी, आंसू गैस के गोले छोड़े, और जो लीडर्स थे उनको जेल में डाला। इसी के साथ चोरा चोरी इंसिडेंट भी हुआ। चोरा चोरी इंसिडेंट क्या था, चोरा चोरी इंसिडेंट में लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इतने ज़्यादा पार्टिसिपेट लिए कि भावुक होकर उन्होंने, यूपी में है चोरा चोरी, वहाँ पर रात के टाइम पर जो वहाँ के गांव वाले लोग थे उन्होंने आग लगा दी, और उस पुलिस चौकी पर जिसपे आग लगाई थी उसमें 22 पुलिस मैन किल हो गए। और इसी इंसिडेंट के बाद में गांधी जी ने अपना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विड्रॉल कर लिया था, वहीं पर रोक दिया था। अब उसको रोकने की वजह से 1921 में स्वराज, जो लोग थे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, ये बहुत नाराज़ हो गए गांधी जी से, और उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी फॉर्म करी, स्वराज पार्टी। और ये जो कांग्रेस सेशन जहां पर स्वराज पार्टी फॉर्मेशन हुआ था वो अहमदाबाद में था 1921 में। तो ये सारे काम किसके टाइम पर हुए, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर, वाइसरॉय लॉर्ड रीडिंग के टाइम में, यानी चेम्सफोर्ड के बाद में कौन आया, लॉर्ड रीडिंग। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वाइसरॉय आता है, जिसके नाम आपने बहुत अच्छे से सुन रखा हुआ, लॉर्ड इरविन। तो सबसे पहले इन्हीं के टाइम पर साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन यहाँ पर जो 1919 में ये मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था, इसकी रिपोर्ट तैयार करने आए थे कि जो हमने पावर्स का डिवीज़न किया था, रिजर्व और जो ट्रांसफ़र पावर रखी थी वो कितनी इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंट हुई यहाँ पर, उसकी रिपोर्ट तैयार करने आया था साइमन कमीशन। बट इसके अगेंस्ट लोगों ने इसका विद्रोह क्यों किया, तो इसलिए किया क्योंकि इसके अंदर एक भी इंडियन पीपल नहीं था। भाई इंडियन नहीं था तो कैसे पता चलेगा हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में। और साथ में दांडी मार्च हुई 1930 में, पूर्ण स्वराज का जो डिमांड रखा था कांग्रेस ने वो इन्हीं के टाइम पर किया था 1929 में, और पहली बार जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हुआ था वो भी इन्हीं के टाइम पर हुआ था। तो इंडिपेंडेंस डे, फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुआ, दांडी मार्च लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुआ, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्टअप हुआ था वो भी लॉर्ड इरविन के टाइम पर हुआ, और लॉर्ड इरविन के साथ गांधी जी का पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जो कि 1930 में हुआ था, जिसकी वजह से गांधी जी ब्रिटेन गए थे सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने। तो फर्स्ट राउंड कॉन्फ्रेंस हुई थी और सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस हुई, ठीक है। तो ये इनका टाइम पीरियड था, और इसके बाद में यहाँ पर होता है ये कंप्लीट गांधी इरविन पैक्ट।
इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे वॉइसरॉय आते हैं वो आते हैं लॉर्ड विलिंगटन। लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पर पूना पैक्ट हुआ था और साथ में द गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1935 आया था, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्ट था एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन था इंडिया का, सबसे इम्पॉर्टेंट एक्ट भी था। तो ये किसके टाइम पर आया? विलिंगटन के टाइम पर आया। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट वॉइसरॉय थे। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। इसी के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे।